बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। 6 राज्यों में हुए 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना कई जगहों पर खत्म हो चुकी है। तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है। बीजेपी का परचम लहराता नजर आ रहा है। आपको अपडेट देते चले, 6 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी का परचम, अमन गिरी ने जीत दर्ज की है। गोला गोकर्णनाथ सीट की अगर बात की जाए तो भारी बहुमत से जीत हासिल की है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी ने जीत दर्ज की है गोकर्णनाथ, और आदमपुर में भाजपा की जीत। 6 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी का कब्जा, गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी की जीत हुई है। और अलग अलग राज्यों की तस्वीर भी आपको बताएंगे। लखीमपुर खीरी में बीजेपी के अमन गिरी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। गोला गोकर्णनाथ और आदमपुर में बीजेपी की जीत। मोकामा में आरजेडी की नीलम देवी ने जीत हासिल की है। तो बिहार, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की एक एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। 7 में से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी की जीत हुई है। और साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर उद्धव गुट की प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है भारी मतों से। ऋतुजा लटके भी आगे चल रही हैं। बिहार में एक एक सीट पर बीजेपी और आरजेडी में कांटे का मुकाबला है, तो ओडिशा में बीजेपी और तेलंगाना में टीआरएस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।